Hello guys, welcome to the channel. Question number 11, chapter number 23, heat and temperature. A meter scale made of the steel is calibrated at 20 degrees Celsius to give the correct reading. Find the distance between 50 centimeter mark, 51 centimeter mark if the scale is used at 10 degrees Celsius and the coefficient of the linear expansion is given 1.1 10 to the power minus 5 per degree Celsius. हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई एम योर मेंटर अनुराग। तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, चैप्टर नंबर 23, हीट एंड टेंपरेचर में से। सो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या है, हमारे पास एक स्केल है, ठीक है। वो किसका बना हुआ है? स्टील का, ठीक है। एक स्टील स्केल है, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या हो रहा है, उसको कैलिब्रेट किया। कैलिब्रेट का मतलब क्या होता है कि आप एक्चुअल वैल्यू स्केल की डिसाइड करते हो कि इतना ही गैप क्या है, 1 सेंटीमीटर, 1 इंच, व्हाटएवर, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशन बोलते हैं। तो कैलिब्रेट किया हुआ है कि इतनी सी चीज को क्या बोला हुआ है, सपोज ये मेरे पास एक स्केल है, ठीक है। लाइक ये क्या हो गया 49, ये क्या हो गया 50, ये क्या हो गया 51, ये हो गया 52, ठीक है। तो इस गैप को क्या बोला हुआ है उसने, 1 सेंटीमीटर बोला हुआ है। सपोज सेंटीमीटर छोटा होता है, फॉर एग्जांपल मैं ये लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो कैलिब्रेशन जब हुआ कितने डिग्री पे हुआ, 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हुआ, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ पुट कर रहा है, दैट विल बी टेम्परेचर कितना हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब डिग्रीज हो गया, सही है। तो उसके बाद कहता है कि जब 10 डिग्री सेल्सियस देखूंगा तो ये कितना दिखाएगा स्केल, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के अंदर होता क्या है। बेसिकली स्केल को लीनियर एक्सपेंड कर रहा है, तो दैट विल बी सेकंड लेंथ, फर्स्ट लेंथ जो इनिशियल फाइनल यू कैन से दैट 1 प्लस अल्फा डेल्टी, ठीक है। अल्फा किसका हो गया, स्टील का, नाइस, ओके। इसी के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। L2 तो मुझे फाइंड आउट करना है, L1 मुझे वैल्यू गिवन है, कैसे पता, 50 और 51 इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर को मीटर में करो तो कितना हो गया, 0.01 मीटर, ओके। तो L1 की वैल्यू अपने पास है कितनी, 0.01 मीटर, 1 प्लस अल्फा, भैया कितना है, अल्फा 1.1 10 raised to power -5 पर डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं डेल्टा टी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। डेल्टा टी मतलब बाद वाला टेम्परेचर माइनस पहले वाला टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर एंड माइनस इनिशियल टेम्परेचर। एंड व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द इनिशियल टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, विच इज इक्वल टू -10 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी की वैल्यू पुट करेंगे कितनी, -10 डिग्री सेल्सियस। तो आ जाओ भैया, -10 वाले भैया, ओके। डिग्री सेल्सियस कैंसिल, बचा कैसे ना, मीटर बचेगा, ठीक है, ओके। पुट करते हैं इसको, 0.01 प्लस 1.1 10 रेस्ट टू पावर -5, ये माइनस का साइन आ गया, तो मैं प्लस को हटा के क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर माइनस करता हूँ, ठीक है, ओके। एंड दैट विल बी 10, और बाहर वाले इसके अंदर भी आएगा, दैट विल बी 0.01, सही है। तो लेट डू दैट, कैलकुलेशन करते हैं, इसका हो गया 0.01, सही है। -10 की पावर -4, एंड इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई 1.1 10 की पावर -4, ठीक है। और इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर -2 एंड दैट विल बी 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई में 1.1, ठीक है। काम करते हैं, 10 की पावर -6 को बाहर लेता हूँ, कॉमन लेता हूँ, तो 10 की पावर -6 को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, ओके, 10 की पावर +4, बेस सेम हो तो पावर एड हो जाती है, -6 प्लस 4 कितना होगा, -2 ही होगा ना, माइनस में 1.1, सही है। इसको हो गए सॉर्ट आउट करते हैं, 10 की पावर -6 को बाहर लिया हुआ है, और बचा गया मेरे पास 10 की पावर 4 कितना होता है, 1, 2, 3, 4 हो गया, सही है, माइनस में 1.1, ठीक है। इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो लास्ट में मेरे पास बचने वाला है, दैट विल बी 9 के बाद दैट विल बी 8 9 9 9, ठीक है, और डेसिमल दैट विल बी हियर, ओके, कूल, सही है। और बाहर कौन बैठा है, 10 की पावर -6, सब कुछ ऐसा में लिया था, तो इसकी यूनिट आने वाली है मीटर, मीटर को किस में करते हैं, सेंटीमीटर में बाय मल्टीप्लाइंग 100, तो ये हो जाएगा 999 8.9 × 10 की पावर -4, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, ये क्या हो गया सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद ये 4 को आगे ले जाता हूँ, 4 0 है ना, 1 2 3 4, ठीक है, 0.9989 और पीछे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। सो जो फाइनल लेंथ दिखेगी आपको 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये दिखेगी, ठीक है। कम क्यों होगी,
क्योंकि क्या हुआ है, टेम्परेचर घटा है मतलब रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस मतलब मटेरियल क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक्सपेंड नहीं हुआ, ठीक है। एक्सपेंड होता तो वन से ज्यादा आती, और कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो क्या होगी, वन से कम आई, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि टेम्परेचर क्या हुआ है, रिड्यूस, यहाँ पर माइनस का साइन आ गया। होप क्वेश्चन अंडरस्टैंडेबल होगा, फिर भी कोई डाउट है यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ देयर इज एनी सजेशन फॉर मी यू कैन ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वन मोर रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, थैंक यू।